वहाँ माफिया रहते हैं, वहाँ भू माफिया रहते हैं, ये माफिया रहते हैं। अरे वहाँ सब गरीब जनता थी। तो हमको मर के यहाँ से पेपर मिल ही जाना है तो हमको क्या वो जमीन काटेगी क्या? अन्याय किया है ना हमारे साथ, हमारे तोड़ दिए, उनके रोक दिए, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। योगी जी तब कहाँ थे, अब योगी उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, हमारी भी सुनते वो। आए बैठ रहे हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये ढाबली नहीं अच्छी, वो पन्नी सही है। हमको वो जमीन वापस कर दी जाए, हम चाहे जैसे पन्नी डाल के जैसे भी है हम अपना वहाँ गुजारा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर को तोड़े जाने के बाद इसी बसंत कुंज योजना में उन लोगों को बसाया गया है। आज हम बसंत कुंज इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि राजधानी लखनऊ के बसंत अकबरपुर के बाद पंत नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, कई सारे ऐसे जो इलाके थे जिनको तोड़ा जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि वो मकान जो निजी हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे, जिनकी रजिस्ट्री उनको नहीं तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अकबर नगर को तोड़ दिया गया था और वहीं के लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो एक बार इन लोगों से बात करेंगे कि भाई इस तरीके की जो मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है उसको लेकर के उनके मन में किस तरह की बात है, क्योंकि उनका आशियाना छीन लिया गया है, आप लोगों सबको बेघर कर दिया गया, आप लोग यहाँ आ गए हैं। आगे की जो कार्रवाई थी वो कहा गया कि रोक दिया गया, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई एक तरफ तो ढोल बाजे और मिठाई चल रही, यहाँ आप लोग बड़ी दयनीय स्थिति। अन्याय किया ना सर, ना सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है ना हमारे साथ, हमारे तोड़ दिए, उनके रोक दिए, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। घर तो किसी का नहीं टूटना चाहिए, लेकिन हाँ आपको भी टूटना चाहिए था कम से कम। रोते भी लगते रह गए, हमारे घर उजाड़ दिए और उनके रोक दिए, तो किस तरह से रोक दिए? आप लोग नहीं सुनी गई, हमारे कागज नहीं थे, हम नहीं रिहायशी पाए थे, हमारे तो बाप दादा वहाँ रहे थे तभी तो हम वहाँ पर वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, हमारा भी बचपन वहाँ गुजरा है, ऐसे कैसे उजाड़ दिए उन्होंने? योगी जी तब कहाँ थे, अब योगी उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, हमारी भी सुनते वो। तो कम से कम आप भी वहीं रह रहे होते, अपने घर में रह रहे होते सुकून से? बिल्कुल रह रहे होते, आज कितनी परेशानी, यहाँ से हम लोग किराया लगा के मुंशी पुलिया कहीं काम करने जा रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, जो हम 6,000 पा रहे हैं वो 3,000 किराए में निकल जा रहा है, 3,000 रुपये में किश्त देंगे या खाएंगे या पिएंगे, बच्चों को पालेंगे कैसे क्या होगा? नहीं लगता, जैसे कहा जाता है कि दोहरी नहीं, तो आपको नहीं लग रहा कि नाइंसाफी हो रही है एक साथ? बहुत ज़्यादा उन्होंने बेइंसाफी करी है हमारे साथ में, बिल्कुल बेइंसाफी करी है, और ये न्याय तो हुआ ही नहीं है हमारे साथ में। मलाल है इस बात का? मलाल क्यों, आज तक दिल अंदर से तड़प रहा, किसको सुनाए, कोई सुनने वाला है? रो के बिलख के तब जबरदस्ती छत ये ना होती तो सड़कों पे बैठते, तो ये तो मजबूरी में ली है हमने, लेना हमारी मजबूरी था, इसको लिया है। कहा जा रहा है फिर एक अपना अकबर नगर बसाया जाए, एक समाज सेवी संगठन। सरकार ने बिल्कुल बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमारा नोटिस था, हमको इसका या तो मुआवजा देते या इसको माफ़ करते, कुछ तो करते, हमारा मलबा भी ले लिया, हमारा मकान भी ले लिया और सब कुछ तो ले लिया और यहाँ ला के डाल दिया, सबसे बिल्कुल हमको बेरोजगार कर दिया उन्होंने, हमारी रोजी रोटी पे लात मारी है, घर भी गया। एक घर होता है वहीं से उसकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, जब रोजी रोटी जुड़ी होगी तभी तो इस बच्चे पालेगा, जब रोजी रोटी तुमने हमारी छीन ली, यहाँ से जा रहे कितना कमा रहे हैं भाई, 10,000 कमाने वाला 6,000 किराए में चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हम किस में पालेंगे, कैसे किश्त देंगे इसकी, हो ही नहीं सकेगा। घर भी चला गया और रोजगार भी चला गया, सब कुछ भाई हमारा मलबा तक उन्होंने ले लिया, घर ले लिया, रोजी रोजगार ले लिया, सब कुछ तो ले लिया। ऐसी कौन सी नाराजगी थी अकबर नगर वालों से और बाकी लोगों के साथ, कोई नाराजगी नहीं है? ये तो योगी जी बताएंगे क्या नाराजगी थी, ये तो वही बताएंगे कि हमारी बात ना सुन के उन्होंने उनकी बात सुनी, उनमें क्या था और हम में क्या था, हमसे क्या ऐसी नफरत थी उनको? चलिए तो नाराजगी है, मलाल भी है इस बात की कि भाई हमारे साथ अन्याय किया गया, अकबर नगर तोड़ दिया गया, अब आगे कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको लगता है कि भाई आपका भी ना टूटता? हमारा भी ना टूटता, अब तो यही बस है देखते हुए कि जो नहीं टूटा है तो हमारी जमीन दे दें और हमें भाई मुआवजा दे दें, जैसे हम अपना आशियाना फिर से बना सकें वहीं पे अकबर नगर में। जी अभी मन है वहाँ रहने का? बिल्कुल बेचारे भूखे मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ आओ, छोटे छोटे बच्चे भूखे में जब रोजी रोजगार नहीं लगेगा तो इंसान खाएगा क्या? का खाली दीवार फोड़ के खाएगा? है 200 रुपया वाती जवाती लगता है, 500 रुपया मिलता तो 200 रुपया निकल जाता है, राशन पानी में कैसा खर्चा होगा? तुम मत है, तो आपको मलाल नहीं है कि भाई वहाँ कह गया कि नहीं तोड़ा जाएगा, आपका घर तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया? तोड़ गया, अब जहाँ भेजा दें वहाँ भेजा दिया, अब अच्छा हुआ कि रुक जाए, ठीक है तो सब लोग वहीं बस जाए, फिर से बस जाए, मड़िए डर के रहे, आओ किराया भाड़ा जो लगता है उससे तो अच्छे है, तो आगे का नहीं टूटेगा, आपका उजड़ गया ना फिर? तो दोहरी नीति है ना सरकार की, सरकार एक तरफ तोड़ दिया, एक तरफ कह रही कि अब नहीं टूटेगा, तो वो जो नहीं टूटेगा वो तो नहीं टूटेगा ना, मेरा तो चला गया था कुछ, तो आपका भी नहीं टूटना चाहिए था ना, अगर नहीं टूटता तो आप बसे होते ना वहीं पे। बिल्कुल, तो आप ये मांग हो रही है कि फिर से अकबर नगर बसाया जाए? बिल्कुल बसाया जाए, इससे सरकार को जूते से मारने वाला है।
तो फिर से बसना चाहेंगे वहाँ पे? बिल्कुल, और क्या, वहाँ अगर जगह दे दे हम वहाँ पन्नी डाल के रह ले। ये ढाबली नहीं अच्छी, वो पन्नी सही है, पता नहीं कैसी सरकार बैठ गई। आपको लगता आप लोग मांग कर रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि नहीं टूटेगा? बहुत लड़ाई किया हम लोग ने, बहुत लड़ाई किया, तब किसी ने नहीं कहा ना, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ? सब लड़े, सब लड़े, कोई नहीं लड़ा ना। कुछ इंसान मर के जाए 16 किलोमीटर आगे काम करने रात भी रात, समस्या तो है भाई यहाँ से इतना दूरी इतनी। सरकार जनता का बैठ के शर्म नहीं आती, ऐसी सरकार मर जाए तो अच्छा है। नहीं तो हम लोगों के लिए क्या करे भाई, नेता लोग थे तो कुछ कर ही नहीं पाए। बहुत से मीडिया वाले भी आए, वो भी यही पूछी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, सब कुछ मजबूरियां अपनी अपनी बता दिया। यहाँ तक कि हमको तो घर भी नहीं मिला, हम सड़क पे हैं। अच्छा, घर भी नहीं मिला? वहाँ का घर चला गया? वहाँ का घर चला गया, मैं बहन को मिला, हमको नहीं मिला। एक नोटिस पे दो था, हमने लिखवाए नहीं, डर के मारे कि 8,000 पड़ेगा, 9,000, 100-200 कमाने वाले 2,000, तो हम कहाँ से लें, इसीलिए हमने लिया नहीं। आप सुन रहे हैं कि नहीं पड़ेगा, आप सुन रहे नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम तो बेघर है ना, हमारी तो परेशानी यही है कि हमारे पास घर नहीं है। थोड़ा सा मन में मलाल है कि भाई अगर आपका बिना टूटता तो कम से कम घर होता। तो हमारा भी बहुत बड़ा सा घर, अभी हमारे बच्चे ने बनवाया, मेहनत कर करके करीब 3-4 लाख-5 लाख रुपया लगा, अभी ताजा ताजा टूटा है। अब बताओ हम लोग के दिल से क्या बीत रही है। सो कम से कम 1,000-2,000 कोठी में कमाते थे, वो भी जरिया हम लोग का चला गया। नगर जो भी था उसमें सरकार को जो भी आवेदन करना था करता, लेकिन हम लोग का अकबर नगर सही था। हम लोग अच्छे से वहाँ सुकून जिंदगी में जी रहे थे, आन पब्लिक जी रहा था, यही बात बोलना चाहता हूँ। विश्वास तो नहीं होता है कि रोक दी जाएगी, क्यों कि ऐसा है कि जब पहले कहा गया कि अकबर नगर नहीं जाएगा, किनारे किनारे जाएगा, और हर चीज़ को कहा गया तो कहा गया कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने धोखा दे करके ये काम किया और उसको जो है ज़्यादा दिन नहीं दिया, 3-4 दिन के अंदर उसको खाली करवा, पूरा का पूरा तोड़ दिया, पूरा जो है खाली करवा दिया। पहले कहा गया था कि थोड़ा थोड़ा जाएगा। हाँ, तो अब वो किनारे किनारे था तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले जो बसें हैं उनको गिराइए, तो कमर्शियल दुकानें जितनी थी सब गिरा दी गई, वहीं से स्टार्ट किया, वहीं दोनों तरफ का बेकार किया और इधर का भी बेकार कर दिया। जैसे आप कहा जा रहा है आगे कि नहीं कार्रवाई होगी, तो आपको मन में नहीं थोड़ा सा मलाल है कि भाई हमको अब बेघर कर दिया और अब वहाँ करें नहीं तोड़ा जाएगा? तो वो तो है ही है, जब बेघर कर दिया गया तो या तो उसको बना के दें, या तो वो बना के दें हमें, और या तो फिर क्या कहते हैं इसको फ्री करें, इसको फ्री करें। एक मांग उठ रही है कि फिर से बसाया जाए अकबर नगर को। अकबर नगर पहले से जैसा नहीं हो पाएगा, पहले जैसा जो है अकबर नगर नहीं हो पाएगा। क्यों? उसकी वजह है, अगर बचना होता तो उजाड़ते ना। 2024-25 का उन्होंने हाउस टैक्स क्यों लिया, हमको ये जवाब दीजिए, इसका है जवाब? तो भाई सर, 25 का अगर उनको 25 हम लोग खाएंगे क्या? 24 में जब उनको तोड़ना था तो 25 का हाउस टैक्स क्यों ले लिया जी? अप्रैल में जमा किया है, अगर पहले नहीं लेते कम से कम? उनको मना कर देना चाहिए कि हाउस टैक्स नहीं लेंगे, बिजली बिल नहीं लेंगे। सब रिसेंटली 8 तारीख को जमा किया गया, 12 तारीख को तोड़ दिया आपने, और ज़बरदस्ती 3 महीने का कोर्ट ने टाइम दिया था अगस्त तक के, और उन्होंने ज़बरदस्ती 3 दिन में तोड़ा, लोगों को घर से भगा भगा के तोड़ा, किसी ने कोई सामान नहीं निकाला, बच्चे बेचारे प्यासे मर गए, भूखे मर गए, लाइट 2 दिन पहले उन्होंने काटी। अब जब ये कहा जा रहा है पंतनगर बाकी जो आगे के लिए गुंडई हुई है, ये बाबा जी के राज में केवल गुंडई हुई है, गुंडई के अलावा कुछ नहीं हुई है। इन मणि त्रिपाठी जी जो उनके बीसी थे उनके ऊपर बिल्कुल छत्र छाया थी, 500 फोर्स लेके चल रहे, जैसे वो खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री हो गए हों, आदमी को घर से मार मार के भगा रहे, बच्चे बेचारे तड़प तड़प के मर रहे, प्यासे हैं, पानी नहीं मिल रहा, इतनी गर्मी का मौसम है, धूप में क्या इंसाफ किया। अच्छा, बाबा जी ने जैसे अब ये कह रहे कि नहीं टूटेगा आगे, तो मलाल नहीं तोड़ी जी आपका भी मकान टूटा? एक चीज़ सुन लीजिए, बाबा जी जब अपने बाप की मिट्टी में नहीं गए, अपने पिताजी की मिट्टी में नहीं गए, तो वो जनता का क्या सोचेंगे? कोई मीडिया से कोई दखलंदाजी नहीं, वहाँ माफिया रहते हैं, वहाँ भू माफिया रहते हैं, ये माफिया रहते हैं, अरे वहाँ सब गरीब जनता की बर्तन मालते हैं, चौका करते हैं, ठेला लगाते हैं, सुबह शाम तक के 100-100 रुपए बेचारे कमा के लाते हैं। तब सब नहीं, सब सब नहीं थे अमीर थे भाई, 2-4 नहीं अमीर थे, 90% गरीब आदमी था वहाँ पे, 10% अगर अमीर था 10% के ऊपर आप पेनल्टी लगाते, लेकिन 90% को उन्होंने उसी के साथ जोड़ लिया, एक ही साथ तोड़ दिया सबको। बताइए गरीब बच्चे की जनता है, परेशान है, काम करने जा रहे हैं, 200 रुपए इनकी कमाई है, और ये 400 रुपए किराया खर्चा करके कहाँ से लाएंगे? तो घर से लगाना पड़ेगा, बिल्कुल घर से लगाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाएगा तब उसको बस मिलेगी, तब वो 2800-2600 रुपए किराया देके वहाँ
उतरेगा पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक से फिर निषादगंज काम करने आएगा। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, कोई एजुकेशन नहीं, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। जैसे अब ये कहा जा रहा है कि एक सवाल खाली है कि जैसे अब कहा जा रहा है कि आगे का जो एरिया है वो नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ नहीं नहीं तोड़ा जाएगा कहा जा रहा है। हर आदमी को उसी जगह को दे दें, वो बेचारा अपना कुछ ना कुछ, चाहे झोपड़पट्टी बना के रहे, चाहे वो अपना बनाए, जैसे भी बनाए, उसकी जमीन उसको वापस कर दी जाए, अकबर नगर में फिर से बसा दिया जाए जी, लोगों को फिर से बसाया जाए वहीं पर, उसका काम धाम है। 70 साल से लोग रह रहे हैं, 70 साल का कोई अवैध बस्ती नहीं होती, क्या चले वहीं बसाया जाए। एक बार सरकार को ये नहीं समझ में आया 70 साल में कि हम लाइट क्यों दे रहे हैं, पानी क्यों दे रहे हैं, बिल क्यों दे रहे हैं, हाउस के हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं। अगर ये चीज पे आप देखिए तो आप ये बताइए कहाँ से नजूल है, 70 साल से आप मकान न बनवाने देते। सारी सुविधाएं थी आप लोगों के पास, सारी सुविधा सरकार दे रखी थी, सरकार सुविधा दे रखी थी, उसका सारा टैक्स आपसे लेती थी, सारा टैक्स लेती थी, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई। मेरा भी नाट तोड़ते, अगर तोड़ भी दिए तो जमीन मेरी वापस दे दें, हम यही चाहते हैं कि अब जो कुछ बचा है तो जमीन है तो जमीन ही मेरी वापस दे दें, हम लोग मड़ैया बना के रह लेंगे, मड़ैया बना के हम लोग रहने के लिए तैयार हैं, हमको जैसे भी है ठीक है, हम मड़ैया बना के अभी भी रहना चाहिए, अभी भी हाँ, यहाँ मेरा दम घुटता है, हम यहाँ बीमार हैं, बहुत परेशान है, यहाँ बहुत परेशान है, उलझन रहती है यहाँ पे मेरे, हाँ वहाँ पे मड़ैया मकान बना था मेरा, मड़ैया नहीं थी लेकिन अभी हम रहने के लिए वहाँ तैयार हैं। जैसे एक तरफ जश्न हो रहा, मिठाई बट रही है, आप लोग यहाँ तकलीफ में हैं, आप लोग घर छीन लिया गया, उन लोगों को कहा गया कि नहीं छीना जाएगा पंतनगर और बाकी जो रहीम नगर, हमारा मतलब है उनका बच गया, अच्छी बात है, खुशी की बात, इसी तरह की मेरा भी बचा दें, हाँ मेरा भी बच जाए, जब घर तो टूट गया लेकिन जमीन ही दे दें वापस। क्या अभी भी आप लोग जाके बस सकते, कमाल हो रही है, खाली उनकी ये मेहरबानी हो जाए कि जिसकी जो जमीन है हिसाब से हमारे कागज अब भी हैं, वहाँ के कागजात अब भी हैं, और हमको वो जमीन वापस कर दी जाए, हम चाहे जैसे पन्नी डाल के जैसे भी है हम अपना वहाँ गुजारा कर लेंगे। और ये इस बिल्डिंग से हमारा कोई नहीं, आज तक की कल तक 11 मट्टियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, 11 लाश है यहाँ से, और वो लाशें यहाँ मरती हैं और जाते हैं पेपर मिल वहीं पर। आप बताइए अगर जब हमको मर के यहाँ से पेपर मिल ही जाना है तो हमको क्या वो जमीन काटेगी क्या, हमको वही जमीन वापस कर दीजिए, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और अल्लाह करे सबका जिसका उखड़ रहा है उसका बस जाए। और लेकिन आपका भी बसा रहता तो अच्छा, मेरा भी बसा रहे तो अच्छा है, अब जो उखड़ गया वो तो बसना नहीं है बेटा, मगर हमारी जमीनें दे दी जाए उनका बहुत बड़ा एहसान होगा, उसके बाद बना लेंगे, हम बनाए या ना बनाए या छप्पर या पन्नी में टट्टर में जैसे भी हमारी औकात है वैसे हम टट्टर में रह जाएंगे बेटा, मगर यहाँ पर जो है ना हमें पानी सही मिल रहा है, आज दूसरा महीना आए आज दूसरा महीना आए हुए हैं यहाँ पर, एलडीए वालों ने अगर हमें निकाल दिया एक बार ये भी पूछने नहीं आए आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, आप लोग बीमार हो या आजार हो या कुछ हो, जैसे आपने निकाला था वैसे आपका फर्ज था कि अगर हम यहाँ से गरीब आदमी को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब पैसे ही वाले उसमें थे, पैसे वाले नहीं थे हमारे जैसे, अब ये आप जानिए आगे हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारी बेटी भी बेवा है, हम भी बेवा हैं, हमारे कोई काम करने वाला नहीं, दूसरा महीना चल रहा है यहाँ पर, हमें खाना कौन देगा, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, ये भी सब एक जैसे हैं, लगभग सब एक जैसे, आप बताइए हम किसी के पास ये भी नहीं कह सकते हैं कि भैया हमने चाय नहीं पी है हमको चाय पिला दो, क्योंकि जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, और अब हाथ शर्म आती है, ये हम आपसे तो जरूर कह रहे हैं मगर फिर भी शर्म से डूब रहे हैं कि हम अपनी परेशानी आपको बता रहे हैं, आपको हम बताना नहीं चाह रहे, मगर अब एक दिन की बात हो तो पेट दाब के बढ़ जाएंगे, दो दिन की बात हो पेट दाब, इसका कोई थर्मामीटर अभी नहीं है कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, तो इससे हमारी मुख्यमंत्री ने जब आश्वासन दे दिया है पंतनगर वालों को, रहीम नगर वालों को कि भाई उनका मकान नहीं टूटेगा, तो अब यहाँ जो अकबर नगर के लोग यहाँ बसे हैं बसंत कुंज योजना में उनकी भी उम्मीद जगी है कि अब इनकी मांग है कि भाई मुख्यमंत्री चाहें तो हमारा जो जमीन है उतनी ही दे दी जाए तो उसी में लोग रह लेंगे, थोड़ी सी उम्मीद इनकी जरूर जगी है कि अगर उनका मकान नहीं टूट रहा, अच्छी बात नहीं टूटना चाहिए लेकिन हमारा भी ना टूटता तो अच्छी बात होती, अगर टूट गया तो अब जमीन दे दी जाए उसमें भी आप लोग संतुष्ट हैं।
अकबर नगर फिर से बसाया जा रहा है, हमको जमीन दी जाए, हम लोग खुद ही वो अपना व्यवस्था करेंगे। हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप ही हमको बनवा के दीजिए, हम खुद बनवा लेंगे, आप पैसे तो दीजिए, मतलब जमीन दे दीजिए, हमारी खुद की जमीन हो जाएगी। हमने जैसे पहले तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया था, वैसे हम फिर बनाएंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे हम, अपनी हिम्मत ही नहीं हारेंगे। एक तरफ ये कह दिया गया नहीं तोड़ा जाएगा, एक तरफ आप लोग बेघर कर दिए गए हैं, और बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल यहाँ पे इतनी दूर है, गरीब घर से अगर जो लोग हैं बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारी फीस कम पड़ती है, गवर्नमेंट स्कूल ने भी 10,000 रुपये 9th क्लास का ले रहे हैं, अब आप ही बताइए अगर हम 10,000 रुपये 9th क्लास के बच्चों का देंगे तो आप किराया कितना देंगे। हमारे पापा सब्जी बेचते हैं, हम लोग 9 भाई बहन है, 7 भाई बहन है, हम लोग कैसे पढ़े, हमने 12th कम्प्लीट कर लिया है, उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है यहाँ पर भी, एजुकेशन को लेकर के यहाँ कुछ नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ कुछ नहीं है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं जिनकी समस्या है लोगों की। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यहीं हम लोग हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं और क्या करें। पानी भी टंकी दीन है, उसमें कई जमी रहती है, बच्चे पीते हैं, बीमार होते हैं, हम क्या कहें, बच्चे लोग देखो कहाँ पढ़ रहे हैं सर, हम लोग के बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमको लोग वहीं जमीन दे दी जाए, वहीं रहें हम लोग जी, और यहाँ पर ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है, बस हम लोग को हर चीज़ की तो यहाँ दिक्कतें हैं। किराया 40 रुपया दें तो वहाँ पहुँचे, बीमार हो जाए, जब तक जाते जाते हैं इंसान का दम ही निकल जाए यहाँ। तो तमाम सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के बसंत कुंज योजना में जो लोग अकबर नगर रह रहे हैं वो झेल रहे हैं, उनका एक बार फिर ये अब मांग उठ रही है कि भाई अकबर नगर फिर से बसाया जाए। तो ऐसे में उन लोगों की मांग है कि अकबर नगर में जो ज़मीन हमारी थी अगर वही दे दी जाए तो हम फिर से रह सकते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ से अकबर नगर बेहतर आज भी रहेगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।